हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 15 जुलाई 2024 और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 के बारे में कि इसकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो सकती है, काउंसलिंग का शेड्यूल कब तक आ सकता है, क्या डायरेक्ट एडमिशन अभी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्या सर हम अभी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लास्ट में इस वीडियो में यूपी डीलेट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत कमेंट में पूछा जा रहा है प्रश्न लगातार कि यूपी डीलेट का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो चलिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यूपी डीलेट यूपी बीएड टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी के अभी एजुकेशन बिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आप सभी को पता है कि काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। पहले डेट दी गई थी 10 तारीख, 10 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी की अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आई है, इस वजह से जो काउंसलिंग है इसको जो है बढ़ा दिया गया है। तो अब जो आपकी काउंसलिंग है अगस्त के फर्स्ट वीक में जा सकती है, ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग जा सकती है डेट, ठीक है ना। अगस्त फर्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। ये भी अभी टेंटेटिव है, कोई फिक्स नहीं है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड वीक भी जा सकती है। क्योंकि न्यूज पेपर में जो अपडेट आई थी अभी 3 से 4 दिन पहले, उसमें तो यही दिया गया था कि अगस्त फर्स्ट वीक या तो अगस्त के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकती है यूपी बीएड की काउंसलिंग, ठीक है। तो आपको वेट करना है, अभी 15 दिन तो इधर ही है, कम से कम 20 से 25 दिन आपको इंतजार करना होगा यूपी बीएड की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे बात करेंगे कि काउंसलिंग का शेड्यूल कब तक जारी होगा। देखिए, काउंसलिंग का शेड्यूल सपोज आपका 10 अगस्त से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जो है 2 से 3 अगस्त को इसका जो है शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक हफ्ते पहले आपको जो है काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल क्या होता है? काउंसलिंग शेड्यूल में रैंक दी होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन डेट दी होती है, कॉलेज कब आपको लॉक करना है, कॉलेज आपको मिलेगा कब, एडमिशन कब कराना है, रैंक के हिसाब से उसमें सारा कुछ दिया होता है। मैं बता दूंगा जब आपका जो है काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, अच्छे से समझा दूंगा। यानी कि सभी की एक साथ काउंसलिंग नहीं होती है, रैंक वाइज होती है। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, जब काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आपको बता दूंगा कि कब फेज़ वन की काउंसलिंग होगी, फेज़ टू की काउंसलिंग होगी, एंड पूल काउंसलिंग कब होगी, एंड डायरेक्ट एडमिशन कब होगा। क्या डायरेक्ट एडमिशन अभी ले सकते हो आप लोग? नहीं, आप अभी डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन कब होता है? देखिए, 3 राउंड में आपकी जो है काउंसलिंग होती है, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। पहले में तो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपकी कितने भी रैंक हो तो उसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इसमें बुलाया जाता है। उसके बाद जैसे ये काउंसलिंग हो गई तीनों फेज़ की, उसके बाद होती है पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग में जैसे आपका तीनों फेज में नहीं हुआ तो आप पूल काउंसलिंग में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। अब जैसे पूल काउंसलिंग में भी आपका नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट एडमिशन जो है कॉलेज में जाके जो है अपना एडमिशन करवा सकते हो, ठीक है। हाँ, आप बात कर सकते हो कि कॉलेज में कि हमें एडमिशन लेना है, ये चीज़ें आप कर सकते हो, बट अभी आपका एडमिशन नहीं होगा। ये लास्ट में प्रोसेस होता है। जितनी भी सीटें, जैसे 2 लाख सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो 1,80,000 सीटें भर गई, तो 20,000 जैसे सीटें बाकी हैं, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भरा जाता है, ठीक है ना। वो कॉलेज वाले खुद ही आपकी जो है काउंसलिंग करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं कि सर डायरेक्ट एडमिशन से आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें भी आपकी काउंसलिंग होती है, वो कॉलेज वाले करते हैं, अपने पोर्टल से करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे अभी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड पूल काउंसलिंग होगी, तो इसमें स्टूडेंट काउंसलिंग करते हैं, उसमें कॉलेज वाले करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अभी आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर डायरेक्ट एडमिशन लेने से स्कॉलरशिप आती है? बिल्कुल स्कॉलरशिप आती है, ठीक है ना। डायरेक्ट एडमिशन बहुत सारे बच्चों का आया है, आप भी जैसे लेते हो तो स्कॉलरशिप उसमें भी आएगी, ठीक है। चलिए, ये डाउट्स बीएड के थे, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगस्त सेकेंड वीक तक आपको वेट करना है। फर्स्ट वीक तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे, तो सेकेंड वीक ही जाएगी। यहाँ पे यूपी डीलेट फॉर्म के बारे में बहुत सारे जो है मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप, इंस्टा एंड कमेंट बॉक्स में। तो डेली कोई भी वीडियो आती है तो सर डीएलएड का फॉर्म कब आएगा ये बता दीजिए। तो इसमें अभी देखिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं निकल के आ रही है कि एक हफ्ते बाद आ जाएगा, 2 हफ्ते बाद आएगा, बस वही सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बता दूँ, यही मंथ में आपका जो है आ जाएगा, जुलाई लास्ट वीक में आपको जो है देखने को इसका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यूपी बीटीसी यानी डीएलएड के नाम से आप लोग जिसे जानते हो। तो लास्ट जुलाई में इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। फिक्स डेट आपको कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि ऑफिशियल पीएनपी की तरफ से कोई सूचना ही नहीं आती है, ठीक है ना। और अगर जुलाई लास्ट वीक में नहीं आया तो फिर अगस्त आप फर्स्ट वीक के बाद ही मान के चलिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या पता इसी में बिजी हों पीएनपी वाले,
ठीक है ना, तो लेट हो सकता है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, ठीक है ना। तो अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है डीएलएड फॉर्म के बारे में, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर बताऊंगा। जैसे पिछली बार बीएड की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, डीएलएड का फॉर्म आ गया था, वैसे इस बार भी होगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कटेंगे जो अभी जैसे बीएड में मन बनाए हैं, तो वो डीएलएड की तरफ भाग जाएंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग कमेंट किया करते हैं कि सर बीएड बेस्ट है या बीटीसी, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि बीएड करने के बाद आप कहाँ कहाँ पे एलिजिबल रहोगे, कौन कौन सी क्लास के टीचर आप बन सकते हो, एंड बीटीसी करने के बाद आप कौन कौन से क्लास के टीचर बन सकते हो। ये आप डिसाइड करिए, आप लोग डिसाइड करिए कि हमें किस क्लास का टीचर बनना है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि बीटीसी कर लो बेस्ट है। पता लगा 3 से 4 साल बाद आपकी जॉब नहीं लगी, फिर आप लोग मुझे कोसोगे कि सर साहिल सर बता दिया कि बीटीसी बेस्ट है, पता लगा वैकेंसी नहीं आ रही प्राइमरी की। तो ये आप लोग डिसाइड करो, वैकेंसी किसी में जल्दी नहीं आती है, आती ही तो ठीक ठाक ही आती है, ठीक है। बाकी आप बीएड करते हो तो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 एंड खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी देख पाओगे। प्राइमरी अगर आप डीएलएड करते हो तो आप 1 to 5 एंड 6 to 8 दो वैकेंसी केवल देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिसाइड कर लो अच्छे से, अभी किसी का भी एडमिशन नहीं हो रहा है, ना ही बीएड का ना ही डीएलएड का, तो अच्छे से आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है। बाकी आप लोग बताओ मतलब कमेंट बॉक्स में कि आप क्या करोगे 2024 में, बीएड करोगे या बीटीसी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे 9305587134 पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।